कि वहाँ पे कोई सस्ते वाला मकान अगर मिल जाए सर तो। आप वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं डेरा नवाब साहब के स्टेशन पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुशखुरम होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और अपनी जगह मसरूफ़ होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो है व्लॉग करते हैं और जो भी एक्टिविटी होगी तो यूट्यूब फैमिली इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो प्लीज़ यूट्यूब फैमिली मेरी वीडियो के साथ बने रहेगा और मेरी जो वीडियो को स्किप करके ना देख कर, मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को जो है फुल वॉच किया करें फुल। वाह माशाल्लाह, आज हर सुबह का मौसम देखें कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत। ये चेक करें, बहुत ही प्यारी ग्रीनरी और ज़बरदस्त, और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ जाएगा। ये देखें, वाह इन दरख्तों को देखें, कितने घने घने दरख्त हैं माशाल्लाह, और कितने ही प्यारे लग रहे हैं। ये आप चेक कर सकते देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है आजकल गाँव का, और फुल ग्रीन है, फुल ग्रीन, जैसे जो ना घास लगाई हुई ना वैसे ही, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी भी जा रहे हैं भाई साहब, क्या करने, ये मैंने किट्टा उठाया या थैला उठाया है, आज जो है ना रमज़ान की है तैयारी सांबा जाने की। तो इस कलोटी से निकालते हैं दाने, क्योंकि जो मेरी कलोटियों के आगे है पानी सारा, तो फिर बाद में मैं इनको दे दूंगा दाने। तो अभी यहाँ से निकालते हैं दाने और हाँ, और सही है नहीं नहीं ये सही है, कौन सी कंपनी? ये कंपनी का है, ये गवर्नमेंट की कंपनी का है। हाँ जी हाँ जी, और रमज़ान मेरे साथ है तो अभी भाई रमज़ान के काम देखें भाई, हर चीज़ में रमज़ान की एक्टिंग होती है, एक्टिंग। हाँ अरे वाह रमज़ान, वाह वाकई ज़बरदस्त। चो अभी मैं लेके आता हूँ क्या चीज़, इसकी चाबी लेकर के इसको तोड़ें। नहीं, चाहिए बेचारी, वैसे भी पूरी सुना। हाँ चलो चाबी लेके आता हूँ। चाबी नहीं, हाँ चाबी 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 लेके आओ। तो फिर क्या पाना लेके आऊँ? अरे आप में तो इतनी ताकत है, आप तो सनी देओल हो। हाँ आप इसको ऐसा करो, ऐसा करो। नहीं नहीं यार चूट ना जाए उसका बेचारी का। चलो भाई लेके आते हैं, चाबी लेके आते हैं। विवर तो चाबी मैंने उठा ली है और रमजान को देते हैं और उसको जो कहते हैं खोले। अबे रमजान क्या कर पागल, अबे तोड़ दोगे, अबे पागल तोड़ो, अबे तोड़ो, अबे टूट जाएगा, टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा। ये लो क्या कर रहे हो? हाँ अरे यार ऐसे नहीं करो यार, ये बहुत ज्यादा कर रहे हो। तेरा खोल रहा है, अबे फिर क्या हो गया रमजान? यार रमजान तुम भी गलत चाबी लगाते हो, दूसरी लगाओ, गलत है ये। अबे यार तुम भी ड्रामेबाज है, बड़ा ड्रामे करता है यार। हाँ बहुत ओवर एक्टिंग करता है रमजान, तू भी बहुत ओवर एक्टिंग। ओ आगे आगे, शुक्र शुक्र, मैंने कहा हाय सही है नहीं है, शुक्र भाई, हाय हाय, दबा के दबा के दबा के, हाँ हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। ओ जल्दी, अबे क्या हो गया? मास्क पहन कर चलो 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई, रमजान बहुत महंगा रहा है। अब रमजान क्या हो गया, ये क्या आ रहा है, ये पोट रहा है मुफ्त का, मुफ्त का, मुफ्त का। हाँ सो ब्यूटीफुल, पहले रमजान आ चुके हैं और रमजान बस यही सामान है आपका? ये मेरे कपड़े हैं बस, इतने से? हाँ, मैं थोड़े सामान लेके आया था। हाँ इतना ही है मेरे पास, मैं इतने ही। अच्छा जो कपड़े पहनता हूँ वही है मेरे पास। अच्छा ये पैंट शर्ट, ये है मेरी, हाय हाय, तो ये भी है इसमें, इसको भी चेंज कर लो शर्ट को। हाँ नहीं वो ट्रेन में ना धूल, हाँ ब्राउन हो जाऊंगा, ब्राउन हो जाएंगे, अभी भी ब्राउन हो फिर तो ज्यादा हो जाओगे, ज्यादा हो जाऊंगा। तुम्हारा रंग बिल्कुल जल गया यहाँ पे आके, यहाँ पर बस क्या। हालांकि मौसम भी ठंडा है, मौसम भी ठंडा, हवा की चेंजिंग की वजह से पता नहीं क्या हुआ है, मौसम की वजह से ऐसा होता है। या तुम ज्यादा साइकिल चले जाए तुमने? हाँ ये वजह भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आप गाड़ी और एसी में रहते हो, तो ये साफ जरा यहाँ पे गर्मी तो है, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है फिर भी तो है तो सही। जब हाँ, जब मैं आया था चमकता मोटर बाइक पे, क्योंकि हवा जो है ना बहुत तेज दबाव होता है उसका, तो सीधी लगती है, और तुम हेलमेट भी नहीं पहनते। हाँ, तो ये चक्कर होगा इस वजह से। चलो जाके अच्छी से करीमे लगाना, करीम। हाँ करीम लगानी पड़ती है? हाँ हाँ जो लगाती है लेडीज। अच्छा वो वाली? हाँ नहीं नहीं मैं देखूंगा, खरीदूंगा, पूछूंगा। चलो फिर चले, मोटर बाइक तैयार है। हाँ, चलो आ जाओ। ये रही गंदम, तो इसको रखते हैं भाई मोटरसाइकिल पे और लेके चलते हैं। पता नहीं आगे रास्ता कैसा होगा रमजान, देखते हैं। हालात तो खराब होंगे,
चलो अल्लाह रहमत करेगा। अच्छा तो जी अभी हम जा रहे हैं काशिप भाई और मैं, ये गंदम हमने रख ली है बाइक पर, तो आगे पानी बहुत है। ये देखें सड़क बिल्कुल जो है ना, ये देखें गीली हुई पड़ी है, पानी भरा हुआ है जगहों पर। ये देखें ये खड्डे हैं बहुत ज़्यादा गहरे गहरे, आराम से काशिप भाई। और ये देखें अंधेरा भी बहुत है और आगे सड़क भी टूटी हुई है, तो क्या होगा अभी देखते हैं। आज ये साइट तोड़ी हुई है ना, 3-4 दिन से ना ये वाला रोड टूटा हुआ है। नहीं देखा, ये बारिशों की वजह से ना पानी जमा हो जाता, बीच में जो इसकी गटर लाइन है ना दोबारा से ख़राब हो चुकी है, फिर उन्होंने जो है ना निकाल के नई डाल रहे हैं। अभी काशिफ और मैं यहाँ अहमदपुर में रुके हैं, तो सोडा पीते हैं, चल देखते हैं टेस्ट क्या है इसका। हमने एक काशिफ भाई के लिए, एक मेरे लिए, दूध वाले जो है ना दो सोडे और कोल्ड ड्रिंक लिए। ये काशिफ भी एक आपकी है और एक मेरी है, और बहुत ठंडी है जी। दोनों मेरी है जी। आपने नहीं पी रही? मैंने भी पीनी। आपने दो पीनी है? नहीं नहीं, दो पीनी है तो ले लें। अच्छा जी फैमिली, अभी हम चौक मनीषी पर आ चुके हैं और रमज़ान गया है भाई, रमज़ान गया यहाँ पर थोड़ा सा आगे गया है, कह रहा है कि मैं फ्रूट ले गया हूँ क्योंकि रास्ते में जो है ना मैं फ्रूट खाऊंगा, तो वो थोड़े ही आगे गया है बाज़ार में, यहाँ थोड़े महंगे थे तो जो है ना बाज़ार के अंदर थोड़े सस्ते मिलते हैं, तो वो थोड़ा आगे गया और मैं बाइक के साथ ठहरा हूँ, और पीछे क्योंकि ठेला है गंदम का तो मैं इसलिए उसके साथ ठहरा हूँ, और वो गया है अपने लिए फ्रूट लेने। तो जैसे आता है फिर हम चलते हैं और डेरा नवाब स्टेशन पर, और उसको वहाँ पे करूँगा पिक, फिर मैं अपना सफ़र कंटिन्यू करूँ क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी है और हमारा सफ़र भी बहुत ख़तरनाक होता है भाई। इसको देखो इसके कितने प्यारे प्यारे बलून है माशाल्लाह, वाह भाई वाह, ये भी अपनी रोज़ी के लिए इस टाइम आया हुआ है बच्चा। गाइस अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं डेरा नवाब साहब के स्टेशन पर, तो बड़ी मुश्किल के बाद यहाँ पर हम पहुँचे हैं। रास्ता बहुत ख़राब था बारिश की वजह से, सो अभी हम पहुँच गए हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पर मोटरसाइकिल को हमें लॉक करना पड़ेगा इस कार के साथ, उस साइड से ठीक है। अभी ये जो है डेरा नवाब साहब के स्टेशन पर मुकम्मल अभी पहुँच चुके हैं हम, काशिफ भाई और मैं, तो चलते हैं अंदर, इंटर होते हैं। हाँ गाड़ी को लॉक कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम पहुँच चुके हैं, अभी ट्रेन को काफ़ी देर, रमज़ान तकरीबन 12 बजे आएगी, अभी 10 बजने वाले हैं, तो फिर आगे तो आपको पता है इलाका भी ख़राब है हमारा, रास्ता भी, तो फिर मैं चलूँ फिर, वरना मैं आपको बिछा के जाता, वह क्या करूँ मजबूरी है, बहुत लेट हो गई। हालांकि 10 बजे पहुँचनी थी यहाँ पे, हम पूरे टाइम पर पहुँचे हैं, तकरीबन 15 मिनट पहले पहुँचे हैं, अभी अभी 2 घंटे और लेट हो गई। ठीक हो गया, तो अभी मैं चलता हूँ फिर। हैं और एक और ख़ास काम आपको बोलना है मैंने साजिद भाई से, मैंने बोला है कि वहाँ पर कोई सस्ते वाला मकान अगर मिल जाए तो आप वहाँ शिफ्ट होना चाहते, देखते हैं अगर कुछ सस्ते वाला मिल गया तो कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छे हैं और इलाका भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है इधर, तो एक तो शहरी को गर्मी बहुत लगती है, आपने देखा होगा वहाँ पे, फिर जानवर भी चराएंगे है ना, चारा बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा है ना, आपने दिखाया था उस दिन जहाँ पे जो है ना भाभी कौंसर है, वहाँ पे चारा ही चारा है सारा है ना, तो फिर आपने कोई देखना है, वो थोड़ा ढीला है साजिद भाई, आप थोड़े यानी कि जल्दी करोगे, कोई देख ले अगर अच्छा सा मकान मिल जाए जी, तो मुझे बताना लाजमी, ठीक है? डन हो गया, ठीक है? हाँ ये बात भूलना नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं कि बस गाड़ी पे बैठो और पीछे वालों को भूल जाओ,
नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह जो है ना मैं वहाँ जाकर ठीक एक दो दिन फिर हम रील वहाँ पे बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, मैं खिलाड़ी तुम अनाड़ी। लोग बहुत खुश है, काफी अच्छे अच्छे कमेंट हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो हमें भाई कहते हैं कि रमजान तो रैली हीरो है, रैली इनका दिल से करता हूँ जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। भाई इनका चैनल भी है, आप अपने चैनल का नाम भी बता देना जी, रमजान सादिक के नाम से, रमजान सादिक के नाम से इनका चैनल है, शॉर्ट्स है, व्लॉग नहीं है, शॉर्ट्स है, क्योंकि व्लॉग अकेला बंदा फिर कहाँ कर सकता है, जब तक फैमिली साथ ना हो तो व्लॉग का मजा ही नहीं होता ना, इसलिए ना शॉर्ट्स बना रहे हैं। आपका भाई काफी अच्छे और बेहतरीन और जबरदस्त, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ इंशाल्लाह, तो रमजान भाई भी इंशाल्लाह कभी स्टार होंगे, अभी भी है, ये व्यूअर्स की वजह से भी है, इनका प्यार है, बिल्कुल दिल से शुक्रिया करता हूँ और करता रहूंगा हमेशा इंशाल्लाह, जरूर, तो इन्हीं की वजह से जो कुछ भी है, बिल्कुल ज्यादा इन्हीं की वजह से, बिल्कुल ये हमें कौन जानता था, हाँ कोई नहीं जानता था, बस तारा बहन का भी शुक्रिया जी कि वो हमें व्लॉग में लाती है, बहुत बहुत, और बहुत आवाम का भी शुक्रिया मैं, जो आवाम हमें एक्सेप्ट करती है जी, बिल्कुल उनका तो ये एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा, बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर, और जिंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह, तो आपके अच्छे अच्छे शॉर्ट भी हम देखेंगे जी, तो जब हमें भी मौका मिलेगा हम भी आपके साथ शॉर्ट्स बनाएंगे जी, जरूर इंशाल्लाह, जब आप आएंगे जी, या कभी हम उधर आए जी, बिल्कुल अगर हो गया था कोई मकान अच्छा सस्ता सा मिल गया शायद हम वही पर पूरा एक दो, जब एक दो शॉर्ट्स रोज बनाया करेंगे, जरूर जरूर क्यों नहीं, ठीक है वहाँ तो खूबसूरती कुछ आए वाकई बहुत ज्यादा, मौसम भी ठंडा, हवाएं ये वो बहुत फ्रूट्स होते हैं, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बस जिंदगी वहाँ की, वहाँ की है जिंदगी, तो हर जगह अच्छी गुजरती है, ये तो है मेन चीज है, पैसों की, पैसों की तो अल्लाह रहमत करेगा, करम करेगा, अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है जी, चलो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज, ओके जी अल्लाह हाफिज, ठीक है, ओके ओके टाटा, बाय बाय। बस मजबूर हूँ, दिल तो कहता है कि आपको बिठा के जाता है, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है, नहीं कोई बात नहीं, आगे बहुत लेट हो गया, हालात सही नहीं है, तो आप जल्दी थोड़ा, चलो चलो ठीक है, ओके, मुझे टेंशन नहीं है, चलो ओके, लेके जाएगा वो खुद पछताएगा, चलो ठीक है। यार तो आज जो मैं रमजान को छोड़ के आ गया हूँ, रमजान को जो ना आज सब बात भेज दिया है, और जो ना मौसम बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और रास्ता भी बहुत ही खराब था, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनत मुशक्कत के साथ हम जो ना पहुंचे थे अपनी मंजिल मकसूद पर, और मैंने रमजान को जो है काम सौंपा है, अल्लाह करे वो काम कर दे, उम्मीद तो काफी देखते हैं, बाकी अल्लाह रहम करेगा। ये मैं ब्लॉग में बयान करता हूँ, उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर पसंद प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।